खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन है और आगमन भी जहाँ पर जैसी खबर है कि निवास विधानसभा क्षेत्र के बबलिया क्षेत्र में और कान्हा क्षेत्र में भी है, तो हमारे क्षेत्र में है। तो हमारे जो विषय हैं उन विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। बहुत सी ऐसी जनमांगे हैं और उन जनमांगों पर अलग अलग संगठनों के माध्यम से क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही है कि उनकी पूर्ति हो, चाहे लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से पूरे निवास विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉकों की बात हो, मंडला की बात हो, बिजली की बात हो, निवास को जिला बनाने की बात हो, पानी की बात हो, बसनिया बांध निरस्ती की बात हो, चुटका परमाणु परियोजना निरस्ती की बात हो, या मंडला जिले में मुख्यमंत्री जी आए, कई बार आए, कई सारी उन्होंने घोषणाएं की, उन घोषणाओं पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। रेत को आवासों के लिए फ्री करने की बातें की है, आवासों के पट्टे की बात देने की कही है, मंडला में जो जो खाई है उनके विकास की बात कही है, हर तरह पे आए हैं, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उनकी अपने मुख्यमंत्री की खुद की अपनी घोषणाएं जो है वो जहाँ की तहाँ रखी हुई है। हम मंडला के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिसमें अवैध जो चाहे उत्खनन रेत की बात हो, चाहे माइनिंग के अन्य सेक्टर्स पे हो, शराब की बात हो, एक अन्य नशा जो है, अन्य नशे जो हैं उनकी बात हो, या अन्य प्रशासनिक जो व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अवैध उत्खनन में जहां रेत की बातें आती है, अवैध इतने अवैध तरीके से इसका उत्खनन हो रहा है, जैसे मंडला में अभी रेत नहीं है, अभी रायती का शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रोज रात को महीनों से लाखों रुपए की रेत निकल रही है, जिनको थानों के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से संरक्षण दिया जा रहा है। क्या हम ऐसा समझें क्या? क्योंकि कार्यवाही अगर नहीं हो रही है और लगातार अवैध रूप से रेत निकल रही है, थाने खदान चला रहे हैं ऐसी खबरें हैं, शराब की भी लगभग यही स्थिति है और फॉर्मेलिटी के नाम पे कच्ची शराब महुआ को पकड़ा जा रहा है, अन्य नशे के कारोबार लगातार बढ़ रहे हैं। मंडला को पवित्र नगरी घोषित हुआ है। पहले के जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं वो तो चले गए, आज माइनिंग नए हैं, एसपी और कलेक्टर नए हैं, तो पहले की जो भर्राशाही हुई थी अब वो ना हो। और अब एक महीने तकरीबन ज्वाइन किए हो गए, उसके बाद भी अगर प्रशासनिक रूप से कोई एक्शन, बड़े कदम नहीं लिए जा रहे हैं, इसको हम किस रूप में लेंगे? ये सारी विषय कल मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम रखेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, प्रशासन से हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा जो डेलीगेशन है अलग अलग क्षेत्रों से, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए और उनके मिलने के बाद में मुख्यमंत्री जी जो है उसका समाधान अपने मंच से करें। अगर ये स्थिति अगर नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री जी को लोकल विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, जिसका कि जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा, क्योंकि ये जो जनमांगे होती हैं क्षेत्र की, जिले की आवश्यकता की, जनता की आवाज़ होती है, या पूर्व में जो खुद मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं वो अगर नहीं हो पाती हैं तो वो विषय जनता खुद उठाती है और विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो ज्ञापन कल जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास में जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं खुद वहाँ पर उपस्थित रहूँगा और हमारे माध्यम से भी कई ज्ञापन सौंपे जाएंगे। हम बड़ी अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर आएंगे तो कुछ हमारे यहाँ की जो जनमांगे हैं उनको पूरा करेंगे। पहले जो धोखा हुआ है, पहले जो घोषणा हुई है उस पर जो धोखा मिला है, अब हम धोखा सुनने के लिए तैयार नहीं है।
धोखा झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब हम तो सीधे तौर पर जनता के साथ में है, जनता की जन मांगों के साथ में है, उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि अगर इस क्षेत्र से अगर उनको वोट चाहिए तो जन मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।